हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइम एंड वर्क कराऊंगा। जैसे कि टाइम एंड वर्क एक बहुत ही इजी और स्कोरिंग टॉपिक है, ये लगभग सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वो SSC हो, FCI हो, कैट, मैट, बैंक, लगभग सभी एग्जामिनेशन में इसे क्वेश्चन आते हैं और ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, ए कैन डू अ वर्क इन 6 डेज। ए जो है किसी काम को 6 दिन में करता है, और बी उसी काम को 9 दिन में करता है। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। यानी ए किसी काम को हमें गिवन है 6 दिन में करता है, और उसी काम को बी करता है 9 दिन में, और हमसे पूछा है कि दोनों अगर काम करें तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको करने का शॉर्ट तरीका है कि ए 6 दिन में, बी 9 दिन में। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, या फिर एक ऐसा नंबर ले लेंगे जिससे ये दोनों डिवाइड होते हों। जैसे कि अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो आ जाएगा 54, या फिर कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिनसे ये दोनों डिवाइड हो जाएं। तो जैसे कि हम अगर मान लो 18 लेते हैं, ठीक, तो आप देख सकते हैं 18 से 6 भी डिवाइड होता है और 18 से 9 भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे जो 18 जो हो जाएगा, ये कहलाएगा टोटल वर्क। ठीक, जो 18 जो है ये कहलाएगा टोटल वर्क। इसके बाद हमें क्या करना है, 18 को डिवाइड करना है 6 से, 18 डिवाइडेड बाय 6, और 18 को डिवाइड करना है 9 से, 18 डिवाइडेड बाय 9। तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। तो अब हमारा जो 6 और 9 का जो है रोल खत्म हो गया। अब हमें इसकी पूरे क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है 6 और 9 की। अब ये जो 3 आया है और ये 2 आया है डिवाइडेड के, ये क्या है, ये है वन डे वर्क। वन डे वर्क और यूनिट वर्क, ठीक, ये वन डे वर्क है। 3 जो है ये ए का वन डे वर्क है, और इसी तरह 2 जो है ये बी का वन डे वर्क है। यानी ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक, ये इनका वन डे वर्क है, वन डे वर्क और यूनिट वर्क। इसके बाद हमें क्या करना है, हमसे पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज ये दोनों, मतलब कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, और ये दोनों काम करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी। जैसे कि टोटल वर्क है यहाँ पे 18, और इन दोनों का वन डे वर्क है 3 प्लस 2। तो यह आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 5, बराबर आ जाएगा 3.6। और इसका एक शॉर्टकट और है, जो कि सिर्फ जब ही लागू होता है जब दो ही पर्सन काम कर रहे हो। तो शॉर्टकट के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और नीचे ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 9 6 बाय 54, और 9 और 6 15, तो ये आ जाएगा 3 से कट जाएगा 5, 18, 18 बाई 3, यानी 3.6। बस इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, या तो एलसीएम लेना है, या फिर एलसीएम का कोई मल्टीपल लेना है उसको, जो ये इनका वर्क टाइम गिवन था उससे डिवाइड करना है। वो हमारा आ जाएगा वन डे वर्क, ठीक है, और उस वन डे वर्क, दोनों के वन डे वर्क को, यानी यूनिट वर्क को हमें टोटल वर्क से डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये जो शॉर्ट ट्रिक की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जब भी लागू है जब हमारे पास दो पर्सन हो। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 24 एंड 36 डेज रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। हमें गिवन है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है और सी उसी काम को 36 दिन में करता है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों ये काम को करेंगे एक साथ तो ये कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, या तो हम एलसीएम लेंगे या फिर एलसीएम का कोई मल्टीपल लेंगे, तो वो टोटल वर्क कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे 72 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 72 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 24 भी डिवाइड हो जाएगा और 36 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 72 जो लिया है मैंने, ये हमारा कहलाएगा टोटल वर्क। इसके बाद क्या करेंगे, हम 72 को डिवाइड कर देंगे 12 से, 72 को डिवाइड कर देंगे 24 से और 72 को डिवाइड कर देंगे 36 से। तो हमारा आ जाएगा 72 डिवाइड बाय 12 6, 72 डिवाइड बाय 24 3, 72 डिवाइड बाय 36 ये कहलाएगा, ये आ जाएगा 2। तो हमारे जो 6 3 और 2 आए हैं, ये आए हैं हमारे वन डे वर्क और यूनिट वर्क। ये भी वन डे वर्क यूनिट वर्क। 6 जो है वो वन डे वर्क है ए का, थ्री जो है वो वन डे वर्क है बी का, और 2 जो है ये वन डे वर्क है सी का। और अब हमें फाइंड करना है कि ये तीनों कितने दिन में काम खत्म करेंगे तीनों एक साथ स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, जो हमें गिवन है 12, 24, 36, अब इसका हमारे पास कोई यूज नहीं है, इसको हटा देंगे। बस हमारे पास अब यूज है वन डे वर्क का, जो है 6, 3 और 2, और टोटल वर्क है 72। तो ये लास्ट क्वेश्चन की तरह हो जाएगा कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाई वन डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी। तो ये आ जाएगा 72 था हमारा टोटल वर्क डिवाइड बाय वन डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी, यानी 6 प्लस 3 प्लस 2। तो ये हमारा आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 6, 3 और 11, यानी 11। अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो 6 6 बाई 11 डेज में ये काम को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है ए प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज एंड सी प्लस ए कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, देन फाइंड द टाइम टेकन बाई ए बी सी टू डू द सेम वर्क। यानी हमें गिवन है कि ए और बी जो है किसी काम को 12 दिन में करते हैं, उसी काम को बी और सी 15 दिन में करते हैं और उसी काम को सी और ए 20 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर तीनों उस काम को करते हैं ए प्लस बी प्लस सी तो कितने दिन में करेंगे। तो ये भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह होएगा, ठीक है। इसमें हम ऐसा नंबर लेंगे जिससे ये सब डिवाइड हो जाएं, या तो एलसीएम लेंगे या फिर एलसीएम का कोई मल्टीपल। तो अगर हम यहाँ पे मैं 60 ले लेता हूँ अगर, तो आप ये देख सकते हैं ये सारे नंबर जो हैं 60 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 60 डिवाइडेड बाई 12, 60 डिवाइडेड बाई 15, 60 डिवाइडेड बाई 20, तो यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 3। हमारा जो 60 जो हमने लिया था, इमेजिन किया था एक नंबर, ये कहलाएगा हमारा टोटल वर्क, और ये 5, 4 और 3 ये कहलाएंगे हमारे वन डे वर्क और यूनिट वर्क। और जो हमें क्वेश्चन में गिवन था 12, 15 और 20, अब इसका हमारे पास कोई रोल नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है।
इसमें गौर करने वाली एक बात है कि 5 4 3 जो है वन डे वर्क सिर्फ ए बी या सी के नहीं है। 5 जो है वो वन डे वर्क है ए प्लस बी का, 4 जो है वन डे वर्क है बी प्लस सी का, और 3 जो है वन डे वर्क है सी प्लस ए का। यानी हमें गिवन है ए प्लस बी 5, ए प्लस बी गिवन है 5 के इक्वल है, बी प्लस सी जो है वो इक्वल है 4 के, और सी प्लस ए ये इक्वल है 3 के। हमें यहाँ पे इंडिविजुअल का वन डे वर्क नहीं गिवन है, हमें दो का मिक्स करके गिवन है। ठीक है, तो हमें अगर इंडिविजुअल का वन डे वर्क निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर 5 9 12, 12 आ जाएगा। तो अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12, और 2 को इधर से 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। तो यानी ए बी और सी का वन डे वर्क है, ये वन डे वर्क है ए बी और सी का जो कि है 6, और टोटल वर्क है 60। और हमें निकालना है कि कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो हम इसको करेंगे ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वन डे वर्क और यूनिट वर्क ऑफ ए बी एंड सी। तो टोटल वर्क जो था वो तो 60 के इक्वल था, और वन डे वर्क जो था वो 6 के इक्वल आ गया। तो फॉर्मूले में लगा देंगे टोटल वर्क 60 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा 10। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए किसी काम को 20 डेज में करते हैं। और हमें निकालना है कि ए अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे, हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिनसे ये सभी डिवाइड हो जाते हों। तो हम लेते हैं 60, तो 60 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। तो 5 जो आ गया ए प्लस बी का वन डे वर्क आ गया, 4 बी प्लस सी का वन डे वर्क आ गया, और 3 जो है सी प्लस ए का वन डे वर्क आ गया। ये सभी क्या हैं, वन डे वर्क हैं, वन डे वर्क या फिर यूनिट वर्क। तो अगर हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी बराबर 5 9 3 12, और ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 2 कॉमन लेके 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6। यानी 6 जो है ये है वन डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी। यानी ए बी और सी एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, और ये जो हमारे 5 4 और 3 आया था ये ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, बी प्लस सी एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, और सी प्लस ए एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था 60 जो है ये टोटल वर्क हो जाएगा, 60 ये टोटल वर्क हो जाएगा, और ये जो 12 15 और 20 था अब इसका हमारे पास कोई रोल नहीं है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि अगर ए अकेला काम करता है तो वो कितने दिन में इस काम को ख़त्म करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी 6 के इक्वल है, और बी प्लस सी 4 के इक्वल है। अगर हम बी प्लस सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी 4 के इक्वल था। ठीक है, तो 6 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो ए आ जाएगा हमारा 2, और टोटल वर्क है 60। तो अगर हमें निकालना है कि ए इस काम को अकेला कितने दिन में करेगा तो ये आ जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वन डे वर्क
ऑफ ए, और ए का वन डे वर्क है 2, तो याद आएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी 30। ए जो है 30 दिन में अकेला इस काम को ख़त्म कर सकता है। और इसी तरह हमसे पूछा होता कि बी अकेला कितने दिन में काम को ख़त्म कर सकता है, तो हम निकाल देंगे अगर ए 2 है तो इस ए की वैल्यू अगर हम फर्स्ट में पुट करें, ए अगर 2 है तो बी हो जाएगा 3, और टोटल वर्क है 60 और बी का वन डे वर्क है 3, तो बी अकेला इस काम को 20 दिन में ख़त्म कर देगा। और इसी तरह हमसे पूछा जाता है कि सी कितने दिन में काम कर सकता है अकेला, तो हम निकाल देंगे जैसे कि ए 2 है, हमें निकालना है अब सी कितने दिन में कर देगा। तो सी को निकालने के लिए ए की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ए सी से आ जाएगा 1, ठीक है। तो टोटल वर्क है 60, वन डे वर्क है सी का 1, तो ये आ जाएगा 60 डेज। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और उसी काम को ए अकेला करता है 30 दिन में। तो अगर बी उस काम को अकेला करता है तो कितने दिन में कर देगा? तो बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन की तरह होएगा। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे या फिर कुछ ऐसा नंबर लेंगे जिनसे ये दोनों डिवाइड हो जाएं। तो अगर हम यहाँ पे 30 लेते हैं तो 30 हमारा कहलाएगा टोटल वर्क, और 30 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और 30 को अगर 30 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इधर 3 जो आया है वन डे वर्क आ गया हमारा ऑफ ए एंड बी, और 1 जो आया है वो वन डे वर्क आया है ऑफ ए। और अब 10 और 30 का मेरे पास कोई रोल नहीं है, इसका काम खत्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें गिवन है ए प्लस बी 3 आ गया ये रहा, और ए जो है वो 1 के इक्वल है। और अगर हम ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ए अगर 1 है तो बी हमारा आ जाएगा 2। और हमसे पूछा है कि बी अगर काम करता है अकेला, बी अलोन, तो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देगा? तो ये हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वन डे वर्क ऑफ ऑफ बी। तो टोटल वर्क है हमारा 30 और वन डे वर्क ऑफ बी है हमारा 2, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 15। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि बी और सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, और सी प्लस ए किसी काम को 8 दिन में करते हैं, सी प्लस ए कैन डू इट इन 8 डेज, ऑल द 3 कैन डू इट इन 6 डेज। यानी अगर तीनों काम को करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो वो काम जो है सिर्फ 6 दिन में ख़त्म हो जाता है। और हमसे पूछा है कि ए और बी अगर उस काम को करें दोनों एक साथ तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, यानी हमें फाइंड करना है ए प्लस बी कितने दिन में काम को ख़त्म कर देगा। तो बस ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह होना है, ये भी टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चंस में, लगभग 90% क्वेश्चन में यही लॉजिक लगता है कि हमें ऐसा नंबर लेना है जो इनका एलसीएम हो या फिर एलसीएम का मल्टीपल हो। तो हम अगर यहाँ पे 24 लेते हैं जो कि कहलाएगा हमारा टोटल वर्क, 24 जो है टोटल वर्क कहलाएगा, और 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 2 जो है वो बी प्लस सी का वन डे वर्क है, 3 जो है वो सी प्लस ए का वन डे वर्क है, और 4 जो है ये ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क है। अब हमारा जो इसका रोल है ये ख़त्म हो जाएगा, और हमारे पास है अब ये वन डे वर्क है, वन डे वर्क। और हमसे पूछा है कि ए प्लस बी अगर काम को दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? तो इसको हम करेंगे ऐसे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी।
बी। तो टोटल वर्क तुम्हारा है 24। अब हम निकालेंगे ए और बी का वन डे वर्क कितना है। जैसे कि हमें बी प्लस सी गिवन है 2K, बी प्लस सी हमें गिवन है 2K, तो हमारा ए आ जाएगा 4 माइनस 2, यानी ए का वन डे वर्क है हमारा 2। और अगर ए का वन डे वर्क हमारा 2 है तो सी का वन डे वर्क हो जाएगा हमारा 1, और अगर सी का वन डे वर्क 1 है तो बी का भी हो जाएगा वन डे वर्क 1। और हमसे पूछा है कि ए और बी मिलकर अगर काम को करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, तो ए का वन डे वर्क आ गया हमारा 2 और बी का वन डे वर्क आ गया हमारा 1। तो ये 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12 डेज। अगर ए और बी मिलके इस काम को करते हैं तो वो 12 दिन में ख़त्म कर देंगे। इसमें गड़बड़ है, इसमें जो है ए का वन डे वर्क 2 था, ये जो है 2 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, और ए और बी इस काम को 8 दिन में ख़त्म कर लेंगे। ठीक, इसमें बस हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो टोटल वर्क निकालना है, फिर टोटल वर्क से को 12 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है, जो आ जाएगा 2 3 और 4। 2 आ गया बी प्लस सी का वन डे वर्क, 3 आ गया सी प्लस ए का वन डे वर्क, 4 आ गया ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क। और हमें निकालना है कि ए प्लस बी जो है उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए टोटल वर्क, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल चुका है 24, और वन डे वर्क निकालना है हमें ए और बी का। ए और बी का वन डे वर्क ऐसे निकल जाएगा, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क हमें गिवन है और बी प्लस सी का भी गिवन है, तो बी प्लस सी को हम इसमें पुट कर देंगे तो ए का वन डे वर्क आ जाएगा 2, ये रहा। और ए का वन डे वर्क अगर 2 है तो सी का आ जाएगा 1, और सी का अगर 1 है तो बी का भी आ जाएगा 1। तो 24 डिवाइडेड बाई 3 ये आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 3 8 डेज, ये हमारा आंसर है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, इसका पार्ट सेकंड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने एक नया वीडियो अपलोड करा है।